मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बहुत बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं और आपके लाइफ में जो है ड्रामेटिक चेंज देखना चाहते हैं, आपके जीवन में खुशियां देखना चाहते हैं, आपको छोटे छोटे उपाय जो है वो बताते रहते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपके लिए ऐसा अचूक उपाय, ऐसा जबरदस्त उपाय और ऐसा ही कारगर उपाय, जबरदस्त के साथ साथ कारगर उपाय आपके सामने लेकर आई हूँ कि आपकी लाइफ में ये काम करते ही ड्रामेटिक चेंज आपको देखने को मिलेगा, आपके समस्त दुख दूर होंगे, कलेश दूर होंगे, आपके जो है कर्जे दूर होंगे, सबसे बड़े आपके शत्रु जो है जो आपको अक्सर परेशान करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे को दुश्मनों से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेरे लोगों ने कर्जा नहीं दे रखा है, मेरा जो है व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे व्यापार पर बार बार नजर लग रही है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हो रही है, चाहे वो पैसों को रिलेटेड हो, चाहे वो आपके नजर को दोष को रिलेटेड हो, चाहे वो आपके दुश्मनों को रिलेटेड हो, सारी आपकी समस्याओं का एक ऐसा रामबाण उपाय मैं आपको लेकर आई हूं और वो ऐसा रामबाण उपाय है कि एक धागा क्या आपकी लाइफ को परिवर्तित कर सकता है, आपकी कुंडली को चेंज कर सकता है, आपके ग्रहों पर इतना भारी पड़ सकता है। वो धागा आपने जो है वो कहां पर बांधना है, अपने शरीर के कौन से अंग पर बांधना है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, अगर आपके मैंने बताया कि आपको रोग की समस्या है, ऋण की समस्या है, कर्जे की समस्या है या आपके किसी भी प्रकार की समस्या, आपने सुना ही होगा कि राहु ऐसा प्लैनेट होता है, राहु ऐसा प्लैनेट होता है जो आपको देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और लेने पे आता है तो आपको गरीब बनाकर छोड़ देता है, सारा समस्त चीजें जो है वो एक झटके में जो है वो उड़ा देता है। राहु में ऐसी ताकत है जो राजा को रंग और रंग को राजा बना देती है। तो ऐसे ही राहु के लिए आपने क्या करना है, काले रंग का धागा लेना है, एक आपने लेना है काले रंग का धागा और उस धागे को आपने जो है सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस धागे को आपने क्या करना है कि शनिवार वाले दिन, शनिवार को ही ये प्रयोग करना है, किसी और दिन ये प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि राहु केतु शनि के दिन, शनि के जो दिन है वो शनिवार ही है, राहु केतु और शनि के जो दिन होते हैं वो शनिवार होता है। तो इस दिन आपने वो प्रयोग करना है और आपने क्या करना है कि आपने काले रंग का धागा लेना है, काले रंग का आपने धागा लेना है, इतना बड़ा धागा ले लीजिए आप, और उस धागे में आपने अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए, इष्ट देव का नाम लेते हुए उसे दो बार अपने जो है सीधे पैर पर आपने फोल्ड कर लेना है और उस पर तीन गांठें लगा देनी है। दो बार आपने उस धागे को फोल्ड करना है अपने पैर पर, सीधे पैर पर। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा इस उपाय को, बड़ा चमत्कारी उपाय है, जिन लोगों को आज तक करवाया है उनके वारे न्यारे हुए हैं। तो यहां पर आपने क्या करना है कि एक आपने धागा लेना है काले रंग का, मोटा धागा लीजिएगा, काले रंग का मोटा धागा, तो आपने उस मोटे धागे को शनिवार वाले दिन दो लपेट आपने उसमें मारने हैं, दो लपेट आपने यानी कि दो बार उसको फोल्ड करना है अपने सीधे पैर पर, उल्टे पर नहीं बांधना है, सीधे पैर के आपने पैर पर बांध लेना है और नीचे की तरफ आपको बांधना है। वो धागा आपने बांधने के बाद उसको आपने इष्ट देव का नाम लेते हुए, अपने परमात्मा का नाम लेते हुए, जिस भी देवी देवता को आप पूजते हैं उनका नाम लेते हुए, जिसके भगवान के, जिस भगवान में भी आपकी श्रद्धा है उनका नाम लेते हुए उसमें तीन गांठे आपने लगा देनी है, तीन गांठे आपने लगा देनी है और बचे हुए धागे को काट देना है। उसके बाद थोड़ा ढीला ही रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पैर में से निकलता रहे, ज्यादा ढीला हो जाए तो पैर में से निकलेगा और ज्यादा कस्सा कर लेंगे तो पैर जो है वो आपका टाइट हो जाएगा तो उससे आपको इरिटेशन होगी। तो आपने थोड़ा थोड़ा ढीला ही रखना है उसको और ये धागा आपने शनिवार को बांधना है। आप देखेंगे चमत्कार, छठे भाव में राहु का इफेक्ट लाने का, शनि का इफेक्ट लाने का रामबाण उपाय है ये काले रंग का धागा। छठे भाव में आपको पता नहीं, छठा भाव हमारा रोग का, ऋण का, शत्रु का, ये जो होता है हमारा, जो ये रोग ऋण शत्रु का हमारा ये घर होता है छठा भाव। तो छठे भाव में आपका रोग ऋण शत्रुओं से आपको निजात दिलाने के लिए, नजरों से निजात दिलाने के लिए, ये छठे भाव में आपने देखा कि पापी ग्रह जितने भी होते हैं,
जितने भी राहु केतु मंगल सूर्य, मंगल और सूर्य तो पाप ग्रह हैं, पापी ग्रह कौन से, सूर्य राहु केतु, ये यहाँ पर छठे भाव में अच्छे होते हैं। जितने प्लैनेट आपका मंगल भी अगर छठे भाव में बैठा होता है तो ऐसे इंसान के दुश्मन नहीं बन पाते हैं। सूर्य जिसका छठे भाव में बैठा होता है ऐसे इंसान के दुश्मन जो है अपने आप जल जल कर मर जाते हैं। जिसका शनि छठे भाव में बैठा होता है उसके भी दुश्मन जो है अगर यहाँ पर शनि के उपाय कर लिए जाए तो दुश्मन उसके खाक में राख में भस्म हो जाते हैं। उन घरों को जागृत करना पड़ता है, अपनी कुंडली को जागृत करना पड़ता है। तो ऐसे ही आपके छोटे छोटे उपाय हम आपको हमेशा लेकर आते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसे ऐसे उपाय आपको करने हैं। और ये चमत्कारी उपाय करके देखिए, शनिवार वाले दिन आपने इस उपाय को करना है और इष्ट देव का नाम को अपना स्मरण करते हुए दो बार आपने जो है वो धागे को लपेट कर तीन गीठाएं उसमें लगा देनी है। और ये कार्य करते ही आप सोचेंगे आपकी लाइफ में क्या जबरदस्त चेंज और ड्रामेटिक आपके चेंज आने लग गया है और लाइफ जो है वो आपकी स्मूथ होती हुई चली जा रही है। और लोगों को देखिए पता, कपड़े आप पहनते हैं अगर जेंट्स है तो पैंट पहनते हैं, पैंट के नीचे धागा पता ही नहीं चलेगा, शूज आ जाते हैं, सॉक्स आती है। और लेडीज होती हैं वो अपनी पजामी पहनती है, सलवार पहनती है या जीन्स पहनती है, उनके नीचे भी धागे को पता नहीं चलेगा तो ये धागा छुपा भी रहेगा। और राहु का इफेक्ट लाने के लिए, क्योंकि राहु छठे भाव में ऐसा बंदूक लिए खड़ा पहरेदार होता है जो आपके सारे दुश्मनों को गोली से उड़ा देता है, तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। और ये उपाय करने से आपकी समस्याएं दूर होंगी। और ऐसे ही और उपाय लेकर मैं आती रहूंगी। मैं डॉक्टर साक्षी ठाकुर आपको अंत में बोलना चाहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फ्री कुंडली एनालाइजेशन में 3 बजे और 10 बजे जरूर भाग लीजिए। और अपने जीवन से जुड़ी, अगर आपके जीवन में भी कोई वास्तु से रिलेटेड या फिर आपकी कोई कुंडली से रिलेटेड कोई भी समस्या है, किसी भी भाव को आप जागृत करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपनी कुंडली का एनालाइजेशन कराएं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।